सतत चिंताशील व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। रोटी के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी कीमती चीज उसकी संस्कृति होती है। हम तर्क से पराजित होने वाले नहीं हैं। हाँ, यदि कोई चाहे तो प्यार, त्याग और चरित्र से हमें जीत सकता है। कोई प्रशंसा ऐसी नहीं जो मुझे याद रहे, कोई निंदा ऐसी नहीं जो मुझे उभार दे। नास्ति का परिणाम नास्ति है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। कविता वो सुरंग है जिसमें से गुजरकर मानव एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में चला जाता है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस काम से आत्मा संतुष्ट रहे, उसी से चेतना भी संतुष्ट रहती है। दूसरों की निंदा करने से आप अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी उन्नति तो तभी होगी जब आप अपने आप को सहनशील और अपने अवगुणों को दूर करेंगे। हमारा धर्म पंडितों की नहीं, संतों और ऋषियों की रचना है। जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सभी गुण अंततः स्वार्थ में विलीन हो जाते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बहन का नाम है निंदा। जो इंसान ईर्ष्यालु होता है, वही बुरा निंदक भी होता है। स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है, हर तरह की भूमिका अदा करता है, यहाँ तक कि निस्वार्थ की भाषा भी नहीं छोड़ता। आज की पीढ़ी रचना कम, आलोचना ज्यादा करती है। मन की व्याथा समेट, नहीं तो अपने पन से हारेगा। मर जाएगा स्वयं, सर्प को अगर नहीं मारेगा। मित्रों का विश्वास करना बुरा है, उनसे चला जाना कम बुरा है। संपूर्ण इंसान जाति में भेद नहीं करता। अभिनंदन लेने से मना करना उसे दोबारा मांगने की तैयारी है। जब खुलकर लोग तुम्हारी निंदा करने लगें, तब तुम समझो कि तुम्हारी लेखनी सफल हुई। तो यश के पीछे नहीं दौड़ना, धन के पीछे नहीं दौड़ना। जो मिला सो मेरा, जो नहीं मिला वो किसी अधिकारी मानव बंधु का है। जिस इंसान के हृदय में भावना ना हो, जिसे अपने देश से प्रेम नहीं, उसका हृदय हृदय नहीं, पत्थर है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे छिपाने की आवश्यकता हो। ऐसा कोई राज नहीं जानना जिसकी जानकारी से कोई जवाबदेही आती हो। सूर्यास्त होने तक मत रुको। चीजें तुम्हें त्यागने लगे, उससे पहले तुम ही उन्हें त्याग दो। लोग हमारी चर्चा ही ना करें, ये अधिक बुरा है। वे हमारी निंदा करें, ये कम बुरा है। भगवान कृष्ण का जीवन इस बात का साक्षी है कि जो प्रेम कर सकता है, उसी को गीता भी सूझती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही आपको इनमें से कौन सा कोट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।